हर हर महादेव। देखिए अनुराग तिवारी जी जौनपुर से हैं, उनका एक प्रश्न है कि जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते हैं, ऐसे अन्य प्राणियों में, जीव जंतुओं में, पशुओं में क्या वर्ण होता है कोई? क्या उनमें भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि होते हैं? देखिए प्रश्न तो आपके समझ में आ ही गया होगा। तो ये जो वर्ण है ये वर्ण सब में होते हैं। यहां तक पशुओं, पक्षियों, वृक्षों, ये तो जीव हैं, सजीव हैं। हमारे यहां तो सभी सजीव ही हैं, लेकिन सामान्य दृष्टि से जिनको निर्जीव कहा जाता है, ऐसी भूमि, पर्वत, स्थल, नदियों, इनके भी वर्ण होते हैं। और तो और मंत्रों के, अक्षरों के, इनके भी वर्ण होते हैं। और ये वर्ण मृत्यु लोक पर ही नहीं और स्वर्गादि लोकों में भी वर्ण होते हैं। तो ये सब में वर्ण है। देखिए आप शास्त्र के अनुसार कुछ वर्णों को देखिए तो आपको विचार होगा। और ये सब वर्ण भगवान के द्वारा ही जन्मना ही निर्मित है। सभी वर्ण सब में जन्मना और भगवत द्वारा, भगवान के द्वारा पहले से ही निर्मित है। ये कोई मानव निर्मित नहीं है, वर्ण कोई नहीं बना सकता। जिस तरीके से कोई चींटी को हाथी नहीं बना सकता, जिस तरीके से कोई व्यक्ति, कोई इक्षुदंड है, गन्ने का पेड़ है और उसको कोई अर्क का पेड़ नहीं बना सकता, वो है तो है ही, और उसके बीज से जो उत्पन्न होगा वो भी वृक्ष है, वो ही होगा, वो दूसरा नहीं हो सकता। कोई चाहे कि हम अनार के दाने से और हम जो सेब का फल उत्पन्न कर दें, सेब का वृक्ष लगा दें या नारियल का पौधा उत्पन्न कर दें, वो नहीं होगा, वो उसी का होगा। तो इन सब में वर्ण होते हैं। जैसे वृक्षों में, वृक्षों से देखें, जो वृक्ष यज्ञीय हैं, जिनका हवन होता है, इसके बारे में हम बतलाएंगे कि कौन से वृक्ष का हवन होता है ना। तो जो आम की लकड़ी से हवन करते हैं, आम की लकड़ी का हवन में विधान नहीं है, ये चर्चा फिर किसी वीडियो में होगी। तो जो यज्ञीय वृक्ष हैं, पीपल, पलक्ष, बरगद आदि, तो वे सब ब्राह्मण हैं। और जो जिन वृक्षों की लकड़ी काष्ठ सत्वमयी होती है, माने जिनकी लकड़ी जो बहुत कठोर होती है, शीशम है, सागवान है, तो इनकी ये जो वृक्ष हैं ये क्षत्रिय हैं। और जिन वृक्षों में फल लगते हैं, जो फल देते हैं, आम है, अमरूद है, और जो भी वृक्ष हैं जो फल देते हैं, तो वे सब वैश्य हैं। और जो कटीले हैं, कसैले हैं, है ना, टेढ़े मेढ़े हैं, वे सब शूद्र हैं। लेकिन इनमें जैसे बिल्व है, लेकिन बिल्व यज्ञ वृक्ष है, यज्ञीय वृक्ष है, पर उसमें कांटे होते हैं, तो वो वहीं रहेगा, वो तो ब्राह्मण ही है। इस तरीके से ये वृक्षों में भी वर्ण होता है। पशुओं में जो गाय इत्यादि जो पूज्य हैं, ये ब्राह्मण हैं। जो अश्व और जो हस्ती इत्यादि युद्धों में प्रयुक्त होते हैं, ये जो है क्षत्रिय हैं। और जो दूध देने वाले कार्य और जो है भैंस इत्यादि जितने भी हैं, ये सब जो है वैश्य में आएंगे, दूध देने वाले पशु। और जो भार वहन करने वाले हैं, उष्ट्र, गर्धव, ये जो है ये सब शूद्र में आते हैं। तो ये वर्ण उनमें भी है, व्यवहारी है। कुत्ता आदि चांडाल योनि में आता है ना। और कुत्ते को लोग रख करके और गले से लगा रहे हैं, कोई लोग तो वैष्णव देवी पे ले जा रहा है, वैष्णवी देवी पे, कोई केदारनाथ पे कुत्ते को ले जा करके जा रहे हैं। ओ, कभी अपने माता पिता वृद्ध को श्रवण कुमार लेकर के गए थे दर्शन कराने के लिए, आज ऐसा दुर्भाग्य भारतवर्ष वासियों का कि कुत्ते को लेकर के जा रहे हैं, वाह।
जो कि अपने पुरखों को भी नरक में डालने का कार्य कर रहा है। इसके ऊपर भी हम जो है बतलाएंगे आपको, ये विषय अलग है। हमारे जो टीम के ये जो लोग हैं, ये ग्रुप के जो सदस्य हैं, उनका कहना है कि किसी एक बात पर ही बोलिए और संक्षिप्त में ही उसको बतलाइए, ज़्यादा प्रमाणों को मत रखिएगा। ये भी इसलिए मैं इन बातों का श्लोक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मन नहीं मानना है, दो चार श्लोक तो बतलाऊंगा ही। देखिए कि वर्णों में भी वर्ण है, वर्णों में भी वर्ण है, माने क से लेकर के ज्ञा तक, क्षत्रज्ञ तक हमारी जो हिंदी में मात्रा है, इनमें भी वर्ण बतलाइए। ये जो इनको अभी नाम वर्ण है, लेकिन वर्णों में भी वर्ण है। ये याज्ञवल्क्य शिक्षा से बोल रहे हैं हम। स्वरास्तु ब्राह्मणा गेया वर्णानाम प्रथमाश्च, ये जो वर्णों में प्रथम है, स्वर है जो आ से लेकर अह तक, या ये जो है मातृका वर्ण तंत्र के अनुसार, हिंदी के अनुसार, व्याकरण के अनुसार, ये जो अच है, अच वर्ण वाले, वो सब स्वर हैं और स्वर ब्राह्मण है। और द्वितीयाश्च तृतीयाश्च चतुर्थाश्चापि भूमिपा, और द्वितीय वर्ण, वर्गों के द्वितीय वर्ण, तो द्वितीय वर्ण कौन से, खप छट थ, और तृतीय जबगढ़ द, और चतुर्थ वर्ण घड़ धश झ, ये जो घड़ ध झ, ये जो है भूमिपाह माने क्षत्रिय हैं। तो ब्राह्मण कौन से हुए, स्वर और प्रथम, कचट त प, कचट त प, कचट त प, ये पहले पहले वर्ण है, जो वर्ण होते हैं क गंगा च छ ज ज ट ठ ड ण त थ द न प फ भ म, ऐसे है। अब हम ऐसे बता रहे हैं आपको, पहले पहले ब्राह्मण है और स्वर ब्राह्मण है, और तीसरे और चौथे और दूसरे ये जो है क्षत्रिय हैं। वर्णानाम पंचमा वैश्या अंतस्थाश्च तथैव च, और वर्णों के जो पंचम वर्ण है, ञ म ङ ण न, ये बाद वाले आने वाले, और जो है अंतस्थ यणोन्तस्थाः माने यर ल व, ये जो है वैश्य हैं। तथा ऊष्माणश्च अकारश्च शूद्रा एव प्रकीर्तिताः, ऊष्माण श श श ह, श श श और ह, ये वर्ण जो है शूद्र कहे गए हैं। ये देखिए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं। इसी तरीके से अब इनके देवता आदि भी बताए गए हैं कि प्रत्येक वर्ण का कौन देवता है, इनका क्या रंग है, इनका छंद कौन सा है, कैसे इनका उच्चारण होता है, शरीर में कहाँ वास है, ये सब बातें अलग अलग हैं। इनके गोत्र भी बतलाए गए सब वर्णों के, भाई कौन सा गोत्र है किसका। इनके लिंग बतलाए गए हैं कि इनमें से वर्णों के सब चीज के कौन कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, ये सब याज्ञवल्क्य शिक्षा में और शुक्लयजुर्वेदीय प्रातिशाख्य में आप पढ़ सकते हैं इन सब की बातों को, वहां सब लिखा होगा बड़े विस्तार पूर्वक। और देखिए भूमि का, ये जो भूमि स्थल होते हैं ना, जगह जगह जो लोग ले लेते हैं स्थल, खेत, प्लॉट ये कहिए गए, या जो है घर के लिए लिया गया क्षेत्र, वास्तु आदि, तो वो उनके भी जो वर्ण होते हैं, श्वेता तो ब्राह्मणी पृथ्वी, रक्ता वही क्षत्रिया स्मृता, वैश्या पीता विज्ञेया कृष्णा शूद्रा प्रकीर्तिता। बोले जो जो एकदम श्वेत मिट्टी होती है जहाँ की, वो ब्राह्मणी होती है वो भूमि, और रक्त पृथ्वी जो है लाल जहाँ भूमि होती है, लाल मिट्टी वाली भूमि, वो क्षत्रिय होती है, और पीली मिट्टी वाली वैश्या होती है, और कृष्णा शूद्रा प्रकीर्तिता, और काली मिट्टी वाली भूमि शूद्र भूमि होती है। गंध के अनुसार भी ये वर्णन है, ब्राह्मणी घृत गंधा स्यात् क्षत्रिया रक्त गंध कृत, और क्षीर गंधा भवेद वैश्या शूद्रा विट गंधिनी क्षिति। जिस भूमि की मिट्टी में घृत जैसी गंधा आए, हाँ आती है आप सुन करके देखिए, तो वो ब्राह्मणी भूमि होती है, और रक्त जैसी गंधा आए वो क्षत्रिय भूमि होती है, और क्षीर गंधा भवेद वैश्या, और जो दूध जैसी गंध आए वो वैश्या भूमि है, और विट मल जैसी गंध आए, दुर्गंध मतलब आए, तो वो शूद्रा भूमि होती है। ये वर्णन भी है, मिट्टी को खा करके देखिए जगह को, वहां भी वर्ण बतलाया गया, देखिए स्वाद में भी वर्ण है। मधुरा ब्राह्मणी भूमि, यहाँ की मिट्टी जो है मधुर होती है, मीठी होती है, वो भूमि ब्राह्मणी कहलाती है। कषाया क्षत्रिया स्मृता, और कसाय भूमि क्षत्रिया होती है, वैश्या
तिक्तार्थ विज्ञेया, जो तिक्त चरपरी सी भूमि होती है वो वैश्या भूमि होती है। शूद्रास्यात् कटुका मही, जो कटुका है जो कड़वी है मिट्टी जहाँ की, वो मही जो है शूद्रा कही गई है। वृक्ष इत्यादि जहाँ खड़े उसके आधार पर भी निर्णय है, और क्या देखेंगे। ब्राह्मणी भू कुशोपेता, जहाँ कुशा खड़ा हुआ है वो भूमि ब्राह्मणी है। क्षत्रियास्यात् छराकुलाहा, और जहाँ पर सरकंडे खड़े हुए हैं वो क्षत्रिया है। और कुशकाशा कुला वैश्या, कुशकाश इत्यादि ये जो खड़े हुए हैं वो पृथ्वी वैश्य होती है। और शूद्रा सत्रणा कुला, और कुछ वैसे अयज्ञीय अयज्ञीय जो तृण इत्यादि खड़े हुए हैं तो वो शूद्रा होती है। इस तरीके से भी भूमि के जंतुओं के नदियों में, गंगा इत्यादि पवित्र नदी है तो ये जो है ब्राह्मणी है, और ये जो बहुत वेग में चलने वाली नदियां हैं वो जो है क्षत्राणी है। और जो दूसरों के जो है भलन पोषण करती हैं, जिनके किनारे बहुत खेती होती है, वे वैश्या हैं। और जिनको स्पर्श करना मना मतलाया गया है कर्तोया इत्यादि, वे सब नदियां ये जो है शूद्रा नदियां हैं। इस तरीके से भी वर्णन है। यहाँ तक भूमि पर ही नहीं और अन्य लोकों में भी ये वर्ग का वर्ण का प्रचलन है। अन्नों में है जो यज्ञीय अन्न है, देखिए यज्ञीय अन्न जिनका हवन होता है वे सब जो है ब्राह्मण है, ब्राह्मण अन्न है। और जो अन्न ऐसे हैं जिनको पचाने में बहुत समय लगता है वे अन्न क्षत्रिय हैं। और जो अन्न जो है रसीले हैं वे सब वैश्य हैं। और जो कड़वे अन्न है वे सब अन्न जो है शूद्र के कहे गए। तो यहाँ तक कण कण में अन्न में सब में वर्ण है, और इन वर्ण का सब लोग परिपालन करते हैं आजकल मनुष्यों के अलावा। मनुष्य एक ऐसे हैं जो वर्ण व्यत्यय कर रहा है, वर्ण सांकर्य कर रहा है, जिसका परिणाम वो युगों तक भोगेगा। अन्यथा देवताओं में, निशाचरों में, पिशाचों में और सब भूतों में सब में जो है वर्ण होता है, सब लोग इसका परिपालन करते हैं। आप देखें धर्म सम्राट के चातुर्वर्ण और चातुर्वर्ण संस्कृति विमर्श ग्रंथ को आप पढ़ेंगे दोनों खंडों को, तो ये सब बातें आपको वहाँ बहुत विस्तार रूप में प्राप्त होंगी। हर हर महादेव।